चलिए आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड रिजेक्शन। ये मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड रिजेक्शन क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको कार्नोट साइकिल और उसकी एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। अगर मैं कार्नोट साइकिल की बात करूँ तो कार्नोट साइकिल में जो TS डायग्राम होता है वो मैं बनाने वाला हूँ। TS डायग्राम, कार्नोट साइकिल 4 प्रोसेस से मिलके बनी हुई होती है। इसमें से 2 प्रोसेस जो होती हैं वो आइसेंट्रोपिक एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक बेसिकली होती हैं, जिसे अपन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलेंगे, और 2 प्रोसेस होती हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन कैसा होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेसेस में। तो अगर मैं TS डायग्राम इसका ड्रॉ करूँ कार्नोट साइकिल का, तो आप देखिए कार्नोट साइकिल का TS डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। दिस इज़ अ T एंड दिस इज़ अ S, है ना। आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, देन सॉरी आइसोथर्मल हीट एडिशन, देन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, उसके बाद आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन एंड देन एडियाबेटिक कंप्रेशन। यही 4 प्रोसेसेस हैं जिनसे मिलकर कार्नोट साइकिल बनी हुई होती है। अगर आप कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पर कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, यहाँ पर आपका हीट एडिशन हो रहा है, लेट्स से दिस इज़ द Q1, और यहाँ पर हीट रिजेक्शन हो रहा है Q2। तो आप लिखेंगे कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी 1 माइनस Q2 बाई Q1। ऑल द प्रोसेस आर रिवर्सिबल, हेंस Q इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इसे ही हम लिखते हैं 1 माइनस T2 बाई T1। यानी एफिशिएंसी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन में जो आपका टेम्परेचर है वो क्या है, कॉन्स्टेंट। तो हमने इसे डायरेक्टली लिख दिया 1 माइनस T2 बाई T1। मीन्स टेम्परेचर हियर, टेम्परेचर इज रिप्रेजेंट्स इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ इफिशियंसी। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर एफिशिएंसी को ज़्यादा होना है तो हीट एडिशन के दौरान जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और हीट रिजेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो कम से कम हो। ठीक है, यहाँ पर आपको हीट एडिशन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और हीट रिजेक्शन का टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए, तो जो एफिशिएंसी होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी। एंड ये तो थी कार्नोट साइकिल की बात। अगर आप दूसरी साइकिल्स की बात करते हो तो वहाँ पर जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हम ब्रेटन साइकिल की बात करते हैं, तो अगर हम ब्रेटन साइकिल की बात करें और ब्रेटन साइकिल का TS कर बनाएं, तो ब्रेटन साइकिल में सबसे पहले कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, उसके बाद हीट एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नहीं कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। एंड हीट रिजेक्शन इज आल्सो एट कांस्टेंट प्रेशर। 1, 2, 3, 4। अब देखिए कंपेयर करिए इसको कार्नोट से। कार्नोट में क्या हो रहा था, हीट एडिशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा था और हीट रिजेक्शन भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा था, बट यहाँ पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही नहीं। देन इफ यू वांट टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तब आपको क्या करना होगा। अगर आपको यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आपको कोई एक मीन टेम्परेचर लेना होगा, मीन टेम्परेचर, जिसमें हम ये अज्यूम करेंगे
कि थ्रू आउट ये मीन टेम्परेचर विच गिव्स द सेम एफिशिएंसी एज इन एक्चुअल कंडीशन. बात समझ में आई? यहाँ पर देखिए टेम्परेचर 2 to 3 कंटिन्यूस वेरी कर रहा है, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए अगर हम ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी से कंपेयर करें तो अगर हम कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से कंपेयर करें तो आप देखिए यहाँ पे कार्नोट साइकिल में टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन ब्रेटन साइकिल में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है. तो आपको एक मीन टेम्परेचर लेना होगा जो सेम एफिशिएंसी दे एज इन एक्चुअल केस ऑफ द ब्रेटन साइकिल. ठीक है, बात समझ में आई? तो हम यहाँ पर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन लेंगे और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन लेंगे, ताकि जब हम इफिशियंसी यहाँ से निकालें ब्रेटन साइकिल की, 1 - T mean ऑफ हीट रिजेक्शन, देखिए यहाँ पर रिजेक्शन लिया था, टी मीन ऑफ हीट एडिशन, तो वो हमें सेम एफिशिएंसी दे जो आपने कैलकुलेट किया था एक्चुअल केस में ब्रेटन साइकिल. तो यहां पर टी मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन वहां पे आएगा जहां पर हीट एडिशन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है. ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है कि जब भी कोई प्रोसेस होगी या कि अगर हम साइकिल की बात करें तो अगर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन कम है तो इफिशियंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी. और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन अगर ज़्यादा है तो इफिशियंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी. ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि कार्नोट में तो टेम्परेचर कांस्टेंट था तो हमने डायरेक्टली लिख दिया 1 - T2/T1, बट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? 1 - mean टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ. मैं यहाँ पर कार्नोट साइकिल ब्रेटन साइकिल बना रहा हूँ और आपको मैं बताता हूँ. मान लीजिए एक ब्रेटन साइकिल है आपकी इस तरह से, और उसी में मैंने दूसरी एक ब्रेटन साइकिल बनाई जो कुछ ऐसी है, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रेशियो है, फिर एक्सपेंशन और तो आप देखिए यहाँ पर इसका इस वाली साइकिल का मतलब मैं इसको नोटेट करता हूँ 1, 2, 3, 4. यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है हीट का, जो एडिशन हो रहा है वो 2 to 3 हो रहा है, और यहाँ पर दूसरी साइकिल अगर आप बात करें दैट इज 1, 2-3 and 4-, और यहाँ पर अगर हीट का एडिशन 1, 2-3 and 4- वाली साइकिल में अगर हम बात करें तो 2-3 हो रहा है हीट का एडिशन. तो बताइए मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर तो दोनों का कांस्टेंट है 3-3, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर तो दोनों का कांस्टेंट है. मिनिमम वाला टेम्परेचर देखिए इसका ज़्यादा है 2- वाले का, ठीक है, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि इफिशियंसी ये 2- वाली साइकिल की ज़्यादा होगी. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम ये देखेंगे कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन अगर ज़्यादा है तो वो इफिशियंसी ज़्यादा होगी. सिमिलरली अगर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कम है तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन कम है तो इफिशियंसी कम होगी. ओके, नेक्स्ट वीडियो आज ही बनाऊंगा और उसमें मैं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड रिजेक्शन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी ब्रेटन साइकिल की और मैक्सिमम वर्कडन की कंडीशन क्या है, इन सब के बारे में मैं बात करेंगे. होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.